कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज मैं आपको मसालेदार चिकन पुलाव बताने लगी हूँ, और ये बड़े मज़े का और मसालेदार पुलाव है। चलें जी, इसके लिए मैंने दो प्याज लिए हैं बड़े। इसको पहले हम इसी ऑयल में तकरीबन एक कप मैं ऑयल डालूँगी, एक कप। प्याज को हमने पहले ब्राउन करके निकालना है, इसी प्याज में फिर हम चावल बनाएँगे। पहले मैं ये प्याज ब्राउन कर लूँ। अब मैंने ब्राउन कर दी है, इसको निकाल लिया। वो उसी ऑयल में मैं ये कुछ खड़े मसाले हैं, बड़ी इलायची है, ये तेज़पत्ते हैं, ज़ीरा है, और काली मिर्चें, लौंग, और ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैं इसको पकाऊँगी। साथ ही ये दो प्याज मैंने कर दिए हैं, ये डाल दूँगी। चले जी, इनको हाँ जी, ये देखें जी, अब प्याज ब्राउन हो गया है, और हम इसका थोड़ा सा पानी डाल के तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, यानी कि हमने पुलाव बनाना है तो इसका कलर तो अच्छा होना चाहिए। तो तड़का लगा रही हूँ ये मैं, और बस दो टेबलस्पून मैंने पानी डाला था। और अब ये मैंने चिकन लिया है, पूरा चिकन लिया है मैंने हड्डी के साथ, और 1 किलो चिकन है ये, और ये अब मैं इसमें ऐड करूंगी, डालूंगी। बस ये थोड़ा सा और मैं कुक करती हूँ प्याज को। चलें जी, अब ये मैंने चिकन डाल दिया है, तो अब इसको अच्छी तरह से पकाना है। और ये बड़े मज़े का और बड़ा टेस्टी पुलाव बनता है, आप ज़रूर ट्राई करना। तो चलें जी, अब इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है ऑयल में। और ये टमाटर हैं, दो मैंने काटे थे, दो टमाटर हैं, और ये रेड मिर्ची हैं 1 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, ये जी 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है मैंने, और साथ ही 1 टीस्पून सौंफ को पीस के ना मैंने वो डाला है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1/2 टेबल स्पून, और ये सब्ज़ मिर्ची हैं, ये मैंने बारीक पीस ली थी मैंने ग्राइंडर में, और ये साथ ही गर्म मसाला भी गया है 1 टीस्पून। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दही गया है तकरीबन आधा कप। अब मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से चिकन भी सही तरह से गल जाए और इसकी। हाँ जी, ये देखें जी, अब 5 मिनट के लिए दम लगा दिया था मैंने ताकि चिकन जो है थोड़ा सा गल जाए। अब मैं इसमें 3 कप मैंने चावल लिए थे भर के, तो 6 कप मैंने पानी डाल दिया। ये देखिए जी, मैंने पानी डाल दिया, आप इसका बॉयल होने का वेट करते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे बॉयल आ जाएगा। और ये चावल देखिए मैंने भिगोए हैं, आधा घंटा पहले भिगोए थे, और ये 3 कप भर के चावल है। ये देखिए जी, बॉयल आ गया, अब मैं चावल डाल दें ना। जी ये 1 टीस्पून है भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया, ये डालने लगी हूँ, और ये साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून पहले मैंने डाला। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जी, अब तकरीबन 10 मिनट तक ये पानी खुश्क होता है, ड्राई होता है, तो फिर मैं इसको दम लगाऊंगी। आगे मैं आपको दिखाती हूँ पानी ड्राई होता है। चलें जी, ये देखें जी, अब मैं दम लगाने लगी, 10 या 15 मिनट के बाद दम लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, तैयार है हमारा मसालेदार पुलाव, और इसके ऊपर जो मैंने प्याज फ्राई की थी वो इसके ऊपर मैंने डाल दी थी, और साथ में सब्ज़ मिर्चें लंबी काट के वो भी डाल दी थी। और ये मैंने रेशा कबाब बनाए थे, आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए। और चलें जी, ये मैंने ट्रैफल भी आपको बताया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।